जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध गारमेंट फैक्ट्री और गोदाम सील कर दिया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। झोटवाड़ा क्षेत्र स्थित नागल जैसा बोहरा में इंदौरा नगर का यह मामला। कृषि भूमि पर गोदाम और गारमेंट फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। जेडीए ने पिछले दिनों नोटिस भी दिया था, उसके बाद आज फैक्ट्री और गोदाम को सील किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले वो तस्वीरें भी जरा देखिए। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध गारमेंट फैक्ट्री और गोदाम को सील कर दिया है, क्योंकि अवैध रूप से इसका निर्माण कर दिया गया था, काम यहां पर चल रहा था, लेकिन अब इसे पूरे तरीके से सील किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। छोटवाड़ा क्षेत्र स्थित नागल जैसा बोहरा में इंदौरा नगर का यह मामला है। कृषि भूमि पर गोदाम और गारमेंट फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। जेडीए ने पिछले दिनों इनको नोटिस भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कोई भी इस प्रक्रिया को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब जेडीए ने कार्रवाई कर दी है। आज फैक्ट्री और गोदाम को सील कर दिया गया। तस्वीरें जरा देखिए, सील करते हुए जेडीए के अधिकारी, सील, जेडीए एक्शन लिया गया है और यह साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है, पूरा जो जमीन आपको पूरी दिखा रहे हैं, ये कृषि भूमि है। ऐसे में अवैध रूप से यहां पर फैक्ट्री का निर्माण होना, अवैध गारमेंट का कारोबार होना, पूरे तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, नोटिस दिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब एक्शन ले लिया गया है, इसे सील कर दिया गया। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, क्योंकि शायद फैक्ट्री मालिक को लगा नहीं होगा कि जेडीए इस तरीके से कार्रवाई करेगा सील की, लेकिन ध्यान नहीं दिया नोटिस पर, अब देखिए फैक्ट्री को सील कर दिया गया। सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप ज्यादा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, जो कृषि भूमि है उस कृषि भूमि पर ही इस फैक्ट्री का और गोदाम का निर्माण किया गया था, जबकि नियम यह है कि किसी भी कृषि भूमि का उपयोग सीधे नहीं किया जा सकता। कृषि भूमि का पहले 90A की कार्रवाई की जाती है, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है उसके तहत 90A की कार्रवाई की जाती है, भू रूपांतरण कराया जाता है, उसके बाद जो है इसका किसी यूज में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कृषि भूमि का सीधे ही उपयोग किया गया था, अवैध रूप से किया गया था। और ये जब भू रूपांतरण की कार्रवाई नहीं की गई तो स्वाभाविक है जेडीए से किसी तरह की कोई परमिशन भी इसमें नहीं ली गई और अवैध रूप से इसका संचालन किया जा रहा था। स्थानीय लोग इसको लेकर परेशान थे और शिकायत उन्होंने दर्ज कराई। शिकायत पर जो जेडीए का प्रवर्तन दस्ता है उसने एक्शन लिया और आज ये बिल्डिंग सील की जा रही है, और सील इस तरह से की जा रही है कि जो उसकी जहां भी गेट है वहां पर बाकायदा ईंटों से दीवार बनाई जा रही है और ईंटों को ताले और चपड़ी लगाकर सील किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बड़ी कार्रवाई है और स्थानीय लोगों के लिए राहत वाली है, क्योंकि देखिए जहां भी इस तरह के गोदाम और ये फैक्ट्री अवैध रूप से चलती है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ का जो इलाका है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बाहरी लोगों का, बाहरी वाहनों की आवाजाही रहती है, जिसके कारण यातायात जाम की स्थिति रहती है और जो बेवजह का जो ध्वनि प्रदूषण है वो भी होता है। तो इस तरह की तमाम चीजें इस तरह की अवैध गतिविधियों से होती है, उसी लिहाज से आज जेडीए ने इसको सील किया। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अभिषेक आपका।